Dear students, today I am with you with the new chapter Continuity, Differentiability under the board corner, and under this one I am here in this video with objective questions. So now I start with these two questions. These two questions are simple questions. Obviously these are objective questions, so it should have been a very simple questions. We are not tackling the questions related to mains. So for the board examination, these objective questions are simple questions. In this question it is said, the function fx sin x by x plus cos x, if x is not equal to 0 and fx is equal to k, if x is equal to 0, then it is given to us that it is a continuous function at x is equal to 0. At x is equal to 0, it is a continuous function. Then we are to find the value of k. Value of k find karna hai beta, kuch hai nahi. Hum log jante hain continuity mein hota kya hai. Continuous function kab karte hain? Agar koi function x is equal to a par jana hai ki continuous hai ki nahi. Continuous hai ya nahi. Agar ye jana hai, to isme hum log check karte hain ki left hand limit at x is equal to a is equal to right hand limit at x is equal to a. क्या ये दोनों f a के इक्वल है या नहीं? अगर ये तीनों इक्वल हो गए, लेफ्ट हैंड लिमिट a पर, राइट हैंड लिमिट a पर और फंक्शन का वैल्यू a पर, ये तीनों अगर इक्वल हो गए तो हम कहते हैं कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x is equal to a. सिंपल वर्ड्स में अगर कहो तो कोई ग्राफ अगर हम ड्रॉ करना चाहे तो लिमिट का मतलब हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हो गया कि उस पर्टिकुलर x इज इक्वल टू a के पहले ग्राफ अवेलेबल है, ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब. और राइट हैंड लिमिट का मतलब हो गया कि x का वैल्यू अगर a से स्लाइटली अधिक है तब भी ग्राफ हमारे पास अवेलेबल है और f इज इक्वल टू a पर भी ग्राफ अवेलेबल है. इसका मतलब कि a के नेबरिंग में सारे पॉइंट्स हैं, उसके नेबरहुड के सारे पॉइंट्स हैं, a पर भी पॉइंट है. इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो f इज इक्वल fx फंक्शन जो है वो a पर कंटिन्यूअस कहलाता है. फॉर दिस पर्पस हम लोग इस सारे क्वेश्चन को देखें, इस हैविंग दिस कॉन्सेप्ट हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को देखें. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों से कहा जा रहा है कि ये फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है तो k का वैल्यू पता करो. तो इसका मतलब कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x plus cos x का वैल्यू f 0 के इक्वल होना चाहिए. कैसे, क्यों, इस बात को पहले अच्छे से समझ लो. देखो बेटा, अभी हम लोगों ने कहा कि लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, मतलब a से थोड़ा कम, a से थोड़ा कम, इस पर फंक्शन का वैल्यू इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस. a प्लस मींस क्या, a से थोड़ा अधिक, x का वैल्यू a से थोड़ा अधिक, तब फंक्शन का वैल्यू ये होना चाहिए f a के इक्वल. लेकिन यहां देखो, मैंने एग्जांपल में जो क्वेश्चन लिया, इस क्वेश्चन में मैंने ऐसा नहीं लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस या फिर लिमिट x इज इक्वल टू 0 प्लस मैंने नहीं लिखा. क्यों नहीं लिखा, इस बात को पहले समझ लिया जाए. जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा दिखाई दे जिसमें कि फंक्शन को डिफाइन किया गया हो इस तरीके से कि 0 पर इतना है, अदर देन 0, अदर देन 0 इसका वैल्यू इतना है, इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से थोड़ा कम हो तब भी इतना है, 0 से थोड़ा अधिक है तब भी इतना है, इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए फंक्शन जो हम लेंगे वो सेम होगा. लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या, x का वैल्यू 0 से थोड़ा कम तब भी यही फंक्शन, x का वैल्यू 0 से थोड़ा अधिक राइट हैंड लिमिट, x का वैल्यू 0 से थोड़ा अधिक राइट हैंड लिमिट, उसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि फंक्शन यही होगा. इसलिए हम दोनों को मर्ज करके एक साथ लिखा करते हैं x टेंड्स टू 0, ना इसमें हम लोग माइनस लिखते हैं ना प्लस लिखते हैं. इसका मतलब हुआ कि ये साइमल्टेनियसली लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को कैरी कर रहा है. तो ये फंक्शन के वैल्यू के इक्वल होना चाहिए. चलो फंक्शन का वैल्यू कितना होता है, तो हमको मालूम है कि जब लिमिट फाइंड करते हैं तो इसका लिमिट 1 होता है, तो 1 प्लस इसका भी लिमिट 1 होता है, cos 0 का वैल्यू 1, तो ये 1 प्लस 1 इज इक्वल टू f 0. f 0 का मतलब यहां लिखा हुआ है k, सो k का वैल्यू हो गया 2. इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, सो वी कुड नो द आंसर, एंड द आंसर इज द सेकंड चॉइस बी. इट गिव्स अस बी द आंसर इक्वल टू
2. And now I took the second question. In this question, we have to find number of points at which the function fx is not, mind it, not continuous. मतलब हम लोगों को पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज पता करना है. देखो बेटा, बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के जो क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चन में दो डिसकंटिन्यूटी से रिलेटेड, डिसकंटिन्यूटी और नॉन डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड दो फंक्शन बड़े काम के हैं. एक फंक्शन मॉडुलस फंक्शन और दूसरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. इस सिंबल का मतलब हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. याद कीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसको कहते हैं. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब इसका मतलब होता है अब एन इंटीजर विच इज द ग्रेटेस्ट बट नॉट मोर देन x. इट मे बी इक्वल टू बट नॉट मोर देन x. कहने का मतलब कि अगर कोई तुमसे पूछे कि 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू कितना, तो इसका वैल्यू लिखेंगे 2, बिकॉज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंटीजर इज 2. लेकिन 2.1 इंटीजर नहीं है और 2.1 से बिगर नंबर लेना नहीं है, सो इट विल बी 2. सिमिलरली अगर कोई आपसे पूछ बैठे कि -2.1, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू जो होगा वो -3 होगा. नहीं कि ये नहीं लिख बैठना, देखो -2 -2.1 से ग्रेटर नंबर होता है, तो ये मिस्टेक नहीं कमिट करना है. इसका वैल्यू होगा -3, इज इट? सो सिमिलर सिचुएशन वी आर फेसिंग हियर. इसमें याद रखना बाबू कि कभी भी ऐसा कुछ लिखा हुआ मिले, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या मॉडुलस फंक्शन, कंटिन्यूटी में ये दो बड़े काम के फंक्शंस हैं. हम लोग क्वेश्चंस में इसको आगे भी हैंडल करने वाले हैं प्रॉपरली, सब्जेक्टिव में इसको हैंडल भी करेंगे हम लोग. इसलिए अभी केवल इतना समझो कि ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शंस जो होते हैं वो इंटीजर्स पर नॉन कंटिन्यूअस होते हैं. चलो एक बार देख ही लेते हैं कि कैसे नॉन कंटिन्यूअस होते हैं. देखिए, जब हम लोग कंटिन्यूटी चेक करें किसी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रल वैल्यू पर, तो सपोज कर ले कि लेट ए कोई एक ए है जो इंटीजर है. इस पर अगर हम लोग पता करना चाहें, इस वैल्यू पर अगर लेफ्ट हैंड लिमिट पता करना चाहे, तो वो ऐसे लिखेंगे fx, और मान लीजिए कि ये जो अपना fx है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इसका मतलब हो गया x, ये जब हम लिखेंगे तो आप बताओ इसका वैल्यू कितना होगा. अंदर में जो लिखा हुआ क्वांटिटी है वो a से थोड़ा कम है, स्लाइटली लेस देन a है. अगर ये स्लाइटली लेस देन a है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके पहले का इंटीजर लेना होगा, सो ये होगा a-1. लेकिन अगर तुम राइट हैंड लिमिट पता करो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो इसमें क्या होगा, जब भी a से कोई बड़ा नंबर लोगे, कोई एक ऐसा नंबर लोगे जिसमें जो नंबर, जैसे मान लो 2.3, तो इसका वैल्यू 2 होता है. कहने का मतलब इसका वैल्यू a होगा. तो साफ साफ देख रहे हो कि दीज टू आर नॉट इक्वल. सो एनी ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन इज नॉन कंटिन्यूअस एट इंटीग्रल पॉइंट्स. तो अब ये सोचो, यहां नजर डालो, ये क्या है, x माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ये तो कंटिन्यूअस नहीं है. अगर मान लो x के बदले में 3 ले लो, तो ये कितना हो गया, 3 माइनस 3, that means 1/3 -3 = 1/0, undefined. So कहने का मतलब कि फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसकी कंटिन्यूटी की तो कोई बात होगी नहीं. इसका मतलब
x के हर इंटीग्रल वैल्यू के लिए, x के हर इंटीग्रल वैल्यू के लिए ये नॉन कंटिन्यूअस होगा। तो 1, 2, 3 तो बहुत कम हो गए, 10, 20 भी कम हो जाते, तो इट विल बी द आंसर नन। तो इट्स क्लियर नाउ, आई कम विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस टाइम इन दीज टू क्वेश्चंस वी आर टू फेस मॉडुलस। देखो बेटा, मॉडुलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन थोड़ा ऑब्जेक्टिव सेशन के लिए थोड़ा दिमाग में रखो, फिर सब्जेक्टिव सेशन में हम लोग इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हमेशा याद रखना कि अगर कोई फंक्शन मॉडुलस फंक्शन अगर हो, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो मॉडुलस फंक्शन एक्स हो, तो ये ध्यान रखना कि ये कंटिन्यूअस होगा, ये कंटिन्यूअस होगा सभी पॉइंट्स पर, सभी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, एक्स के किसी भी रियल वैल्यू पर कंटिन्यूअस होगा। लेकिन अगर इसकी बात करो कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो ये डिफरेंशिएबल एक्स इज इक्वल टू जीरो पर नहीं होगा। मतलब मॉडुलस के भीतर का जो वैल्यू है वो अगर जीरो बन जाता हो, तो एक्स के उस वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, कंटिन्यूअस हर एक वैल्यू के लिए होता है। अनदर एग्जांपल, मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है मॉडुलस एक्स माइनस फाइव, तो ये जो अंदर का जो क्वांटिटी है ये जीरो होता है एक्स इज इक्वल टू फाइव पर। तो एक्स इज इक्वल टू फाइव पर ये मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, लेकिन एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होगा, एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होगा। इसका मतलब यह हुआ कि एक्स के वैल्यू फाइव के लिए भी कंटिन्यूअस होगा। दोनों को मर्ज करके अगर बोलना चाहो तो एक्स का वैल्यू अगर फाइव ले लो, तो उस फाइव पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस, ये वैल्यू कंटिन्यूअस होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इस बात को दिमाग में रखते हुए इन क्वेश्चंस को हम लोग हैंडल करें। देखो इसमें लिखा हुआ है क्या कि मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस एक्स माइनस वन, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू वन पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा। एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू वन पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ऐसा एक मिलता जुलता क्वेश्चन हम लोग सब्जेक्टिव में प्रूव करेंगे। सो वेट फॉर दैट क्वेश्चन। यहां याद रखो कि ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा इन पॉइंट्स पर, लेकिन कंटिन्यूअस एक्स के सभी वैल्यूज के लिए होगा। इसका मतलब यह है कि एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू वन पर भी कंटिन्यूअस होगा, एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए होगा। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पर भी होगा, एक्स इज इक्वल टू वन पर भी होगा। ये केवल आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया जा रहा है, जीरो और वन ये कंटिन्यूअस किसी भी वैल्यू पर होगा, लेकिन ये डिफरेंशिएबल जीरो और वन पर नहीं होगा। इट विल बी डिस्कस लेटर इन द सब्जेक्टिव सेशन। सो क्लियरली इसका आंसर अपने पास ये होगा, इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू वन। इज इट? नाउ द सेकंड क्वेश्चन, इन दिस वन वी हैव टू फाइंड द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस वन मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स, मॉडुलस एक्स माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स इज डिफरेंशिएबल। अभी मैंने कहा ये डिफरेंशिएबल कहां नहीं होगा, एक्स माइनस थ्री कब जीरो होगा, तो थ्री पर। तो एक्स का वैल्यू अगर हम लोग थ्री ले लें तो उस समय ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कॉस एक्स किसी भी फंक्शन, मतलब एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए डिफरेंशिएबल होता है। देखो ध्यान रखना बेटा, अगर दो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उनका समेशन, उनका डिफरेंस, उनका मल्टीप्लीकेशन, उनका किसी स्केलर से मल्टीप्लीकेशन करने के बाद, या उनका कोशंट, सब्जेक्ट टू डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे एफ एक्स वाई जी एक्स है तो जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर एफ एक्स और जी एक्स दोनों डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर या किसी इंटरवल में, तो पूरा का पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। इज इट क्लियर? तो यहां पर ध्यान रखो कि कॉस एक्स तो किसी भी रियल नंबर के लिए डिफरेंशिएबल है, ये भी सभी नंबर के लिए डिफरेंशिएबल है, सभी नंबर के लिए डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट थ्री। मतलब मॉडुलस के भीतर का पार्ट अगर जीरो हो रहा हो तो एक्स के उस वैल्यू पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, कंटिन्यूअस होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता है। एंड इट विल बी डिस्कस्ड इन द सब्जेक्टिव सेशन। सो ये
थ्री पर डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी सबों पर डिफरेंशिएबल है, तो किसी भी रियल नंबर पर ये डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट थ्री. दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. एंड नाउ फॉर द थर्ड क्वेश्चन, देखो इन दिस थर्ड क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या है कि वैल्यू फाइंड करना है के का. कंटिन्यूटी में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे लेकिन सब्जेक्टिव पार्ट में. तो वैल्यूज ऑफ के फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, तो हम लोगों को एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है इतना, जीरो पर इसका वैल्यू है टू. कहा जा रहा है कि कंटिन्यूअस, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है. वैल्यू ऑफ के फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू इतना, एफ जीरो इज इक्वल टू इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस इज. अगर ये कंटिन्यूअस फंक्शन है तो हर एक्स के सभी वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस होगा. इसका मतलब हम लोग कहना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली कि ये फंक्शन जीरो पर भी कंटिन्यूअस है, जीरो पर भी कंटिन्यूअस है ये कहना चाह रहे हैं. तो जीरो पर अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि भाई के का वैल्यू बताओ, सो दैट दिस फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस. तो मुश्किल काम नहीं है. ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है कि सबसे पहले हम लोगों का जो बेसिक जो तरीका है, बेसिक जो नॉलेज है, उसको सामने में लाते हैं, उसको रिकॉल करते हैं और उसके हेल्प से काम करते हैं. देखो कंटिन्यूटी का जितना भी क्वेश्चन है उसमें तुम फेस करोगे एक स्टेप के बाद लिमिट. कहने का मतलब कि सारे क्वेश्चन में तुम देखोगे कि लिमिट ही होगा, मेन पार्ट जो होगा सॉल्यूशन का वो लिमिट हो. और लिमिट से रिलेटेड अपने पास दो बहुत कॉमन सा रिजल्ट है जिसको हम लोग रिकॉल कर लें. लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू वन. इसी तरह से लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो टेन एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू वन. देखो ध्यान से, यहां जो एंगल है वही यहां लिखा हुआ है और वही अप्रोचिंग टू जीरो है. ये देखो दोनों सेम है और वही अप्रोचिंग टू जीरो है. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जरा सा नजर डालो, एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है टेन थ्री एक्स बाय के एक्स. यहां जो एंगल है वो यहां नहीं है, क्लियर? तो इसका मतलब अभी इमीडिएटली इससे रिजल्ट ऐसा नहीं ले सकते, तो इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. क्या लिखेंगे? अभी हम लोगों को लिमिट इसका फाइंड करना था, तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो टेन थ्री एक्स, इसके नीचे के एक्स था तो के के साथ हम लोग थ्री एक्स कर दें. थ्री एक्स अगर हम लोगों ने कर दिया तो इसका मतलब है कि हम लोगों को मल्टीप्लाई थ्री से करना चाहिए टू मैनेज दिस थ्री. अगर हम लोगों ने इतना लिख दिया तो ये पार्ट देखो लिमिट में हम लोग जानते हैं कि कॉन्स्टेंट पार्ट लिमिट के बाहर होता है, तो ये थ्री और के तो लिमिट के बाहर हो गया, तो थ्री और के लिमिट के बाहर हो गया. अब बचा अपने पास लिमिट x tends to 0 tan 3x by 3x. अब देखो ये पार्ट इसकी तरह है कि नहीं, इट सीम्स लाइक दैट. थोड़ा डिफरेंस है. डिफरेंस क्या है? यहां पर जो x लिखा हुआ था लिमिट x tends to 0, यहां जो x लिखा हुआ था वही x यहां भी है और वही x यहां भी है, लेकिन इस समय तुम देखो यहां 3x है तो नीचे तो 3x है लेकिन यहां 3x नहीं है. But it is understood, it is not supposed to mention there. Actually, जब हम x tends to zero कहते हैं, tends to zero का मतलब क्या? It is very very close to zero. You can practically take it as zero. However, literally, theoretically, it is not equal to zero. ये zero से थोड़ा सा कम या ज्यादा हो सकता है, ये zero नहीं है. लेकिन अगर ये zero नहीं है तो आप बताओ कि क्या 3x zero के करीब नहीं होगा? कोई नंबर बहुत छोटा है जैसे 0.00001001, ये बहुत छोटा नंबर है, ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो है. अब तुम ये बताओ कि इसको 3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा? नो नेवर. इट विल बी अगेन द रिजल्ट विल बी वेरी क्लोज टू जीरो. सो 3x इज ऑल्सो अप्रोचिंग टू जीरो. तो यहां मेंशन करना इसेंशियल नहीं है, इट इज वेरी मच अंडरस्टूड. सो इसका वैल्यू होना चाहिए 1. इसका वैल्यू 1, तो इसका मतलब जो अपना जो लिमिटिंग वैल्यू हुआ इसका, लिमिट जो हुआ फंक्शन का x टेंड्स टू जीरो पर एफ एक्स का जो लिमिट हुआ वो अपने पास इतना हुआ, लिमिट
x tends to 0, tan 3x by kx, ये अभी वैल्यू हम लोगों ने यहां पाया कितना हुआ 3 by k. अब ये बताओ कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, जब उसके लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों का वैल्यू फंक्शन के वैल्यू के इक्वल होता है। तो जहां हम लोग लिख रहे हैं x tends to 0, तो इसका मतलब x tends to 0 माइनस भी कर रहे हैं और x tends to 0 प्लस भी कर रहे हैं, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इसमें इंक्लूडेड है। तो ये वैल्यू होना चाहिए फंक्शन के वैल्यू के इक्वल। तो फंक्शन का वैल्यू कितना है 2 है और लिमिट का वैल्यू कितना है तो 3/k है। तो अब तुम ही बताओ कि अगर फंक्शन का वैल्यू 3/k है और लिमिट का वैल्यू 3/k है और फंक्शन का वैल्यू 2 है, तो दीज टू मस्ट बी इक्वल। जैसे ही इन दोनों को इक्वल करते हो देन यू गेट k इज इक्वल टू 3/2 एंड सो द फर्स्ट चॉइस इज द करेक्ट वन and you are correct, your answer is correct and I think कि आपके सामने आपका पेपर पेन तो होगा ही होगा और आपने इन questions को discussion के पहले जरूर solve किया होगा। I hope my students are very good students, they are very energetic, very intelligent students. So viewers, आपने इसी तरह से जो work किया इसको continued रखेंगे और इसके बाद हम लोग दूसरे session में अभी शुरू कर रहे हैं 2 marks question. Okay, wait for that.